हेलो, वेलकम टू पावर टेक्निकल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में, कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ये हमारे पास थियोरेटिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, और प्रैक्टिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे तो हमारे पास चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। और इन चारों स्ट्रोकों को कंप्लीट करने के लिए हमारे वाल्व की टाइमिंग जो होती है वो फिक्स रहती है, कि कब इनलेट वाल्व खुलना चाहिए, कब एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए। तो टाइम के अनुसार इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुलना और बंद होना, वही हमारी क्या होती है, वाल्व टाइमिंग होती है। तो ये देख, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है। क्रैंकशाफ्ट जो होती है पूरी 360 डिग्री रोटेट करती है, तब हमारे दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, सक्शन और कंप्रेशन। फिर अगेन 360 डिग्री रोटेट करने पर पावर एंड एग्जॉस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जब क्रैंकशाफ्ट दो बार 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, तब हमारे पास चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। और क्रैंकशाफ्ट के दो बार रोटेट होने पर हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो एक जब हम एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है TDC से BDC तक, तब हमारे पास क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये थियोरेटिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम है पेट्रोल इंजन का। इसमें देखेंगे ये हमारे पास TDC टॉप डेड सेंटर, BDC बॉटम डेड सेंटर। तो सक्शन स्ट्रोक देखेंगे, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट रहती है TDC से BDC की तरफ। तो यहाँ पे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, एक स्ट्रोक कंप्लीट होने पर क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन कितनी हो रही है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री पे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, फिर 180 डिग्री पे दूसरा स्ट्रोक, फिर 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री। इस तरह से टोटल दो बार 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, तो चारों स्ट्रोक हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो सक्शन स्ट्रोक में जो है, सक्शन स्ट्रोक के अंदर ये हमारे देख, सक्शन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल क्लोज रहेगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल क्लोज रहेंगे, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल क्लोज रहेंगे, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल ओपन रहेगा। अब हम यहाँ देखेंगे इनलेट वाल ओपन, सक्शन स्ट्रोक में हमारे पास इनलेट वाल रहेगा, तो इनलेट वाल कब खुलेगा, TDC पर, टॉप डेड सेंटर पर जब पिस्टन रहेगा तब हमारे पास इनलेट वाल खुल जाएगा और एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आना शुरू हो जाएगा। तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा और हमारे पास इनलेट वाल्व खुला रहेगा। तो यहाँ पे जब पिस्टन BDC पर आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, तो हमारे पास इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इनलेट वाल्व यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया, तो इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, तो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट रहेगी BDC से TDC की तरफ, जिसमें दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। तो ये हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में TDC पर हमारे पास स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे पास एयर फ्यूल का मिक्सर जो हमने कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस करा है, उस फ्यूल को हम उस मिक्सर को हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। बर्न करने समय पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। तो पावर स्ट्रोक में हमारे पास क्या रहेगा, पावर स्ट्रोक में हमारे पास दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, तो TDC से BDC की तरफ पिस्टन की मूवमेंट जब होगी तो वो हमारा इस पावर स्ट्रोक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज है। तो जब पिस्टन BDC पर आ जाएगा, तो जो जो गैसें बर्न हुई पावर स्ट्रोक में, उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हमारे पास निकालने एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर BDC पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया और ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, यहाँ पे जब पिस्टन TDC पर आ गया तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा होगा थ्योरेटिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम। बट प्रैक्टिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम किस तरह से होता है, प्रैक्टिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम ये होता है, डायग्राम में जो हमारा इनलेट वाल्व होगा सक्शन स्ट्रोक में, जो है TDC पर ना खुलकर TDC से 20 डिग्री पहले खुलेगा। ठीक है, तो बिफोर TDC खुल गया 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, तो हमारा सक्शन स्ट्रोक हो गया, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया। उसके बाद जो इनलेट वाल्व या BDC पे थियोरेटिकली क्लोज हो रहा था, बट BDC पे क्लोज ना होकर ये जो है BDC के 35 डिग्री बाद जो है इनलेट वाल्व क्लोज होगा। BDC के 35 डिग्री बाद जब इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC तक ट्रेवल करेगा, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होगा TDC पर, उससे पहले ही हमारे पास, उससे कितना पहले, 35 डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले ही हम स्पार्क प्लग से स्पार्क कर देंगे, जिससे क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो बर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो गई थी, पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा BDC पे।
तो पावर स्टोक कंप्लीट होने से पहले पावर स्टोक में ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देंगे कितना 35 डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देंगे और एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। तो जो बर्न हुई जो फ्यूल गैसेज जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न हुआ पावर स्टोक में उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक से क्या करेंगे हम एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन हो गया हमारा 35 डिग्री बिफोर BDC, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा, एग्जॉस्ट वाल्व जब पिस्टन TDC पर पहुंच जाएगा उसके बाद 10 डिग्री बाद जाके हमारा क्या होगा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। तो ये हमने ऐसा क्यों करा, प्रैक्टिकली ऐसा क्यों करा कि थियोरेटिकली तो हमारे पास जो एग्जॉस्ट वाल्व TDC पर क्लोज हो रहा था BDC पर ओपन हो रहा था, और इनलेट वाल्व जो है TDC पर ओपन हो रहा था और BDC पर क्लोज हो रहा था। ऐसा इसलिए करा इनलेट वाल्व को पहले खोला TDC से पहले ओपन करा और BDC के बाद तक ओपन करके रखा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पावर बन सके। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे TDC से 20 डिग्री पहले 20 डिग्री पहले TDC से 20 डिग्री पहले 20 डिग्री पहले तो 20 डिग्री वो और 180 डिग्री ये 180 डिग्री ये तो 20 प्लस 180, उसके बाद 35 डिग्री और तो टोटल जो है 235 डिग्री तक जो है हमारे पास क्या रहा इनलेट वाल्व ओपन रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रैक्टिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसमें देखेंगे कि जो है इनलेट वाल्व ओपन ये कुछ डाटा है, इसी के बीच जो है इनलेट वाल्व की वैल्यू रही। यहाँ पे हमने मैंने 20 डिग्री ले लिए बट 10 to 30 डिग्री के बीच में ही वैल्यू रहेगी, अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, हम एक कंडीशन देखेंगे कि ये और ये इस बीच के अंदर एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रह रहा और इनलेट वाल्व भी ओपन रहा। ठीक है, कैसे ये देखिए, इनलेट जो सक्शन स्ट्रोक में हमारा इनलेट वाल्व ओपन हुआ था वो TDC से 20 डिग्री पहले ही ओपन हो गया था, मतलब सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से पहले इनलेट वाल्व ओपन हो गया। इसका मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुल गया था और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद भी एग्जॉस्ट वाल्व खुला, मतलब सक्शन स्ट्रोक में भी खुला हुआ इनलेट वाल्व। तो इस एरिया के अंदर जो है दोनों वाल्व ओपन रहेंगे, इनलेट वाल्व भी ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। ठीक है, और जो है ये टाइम या मतलब थियोरेटिकली क्या था कि हमारा वाल्व जो है कब खुलना चाहिए था सक्शन स्ट्रोक में, इनलेट वाल्व TDC पर खुलना चाहिए था, लेकिन TDC पर ना खुल के ये TDC से 20 डिग्री पहले खुला, 20 डिग्री पहले खुला। तो टाइम से पहले वाल्व का खुलना, टाइम से पहले वाल्व का खुलना होता हमारा वाल्व लीड। और हमारा जो वाल्व बंद कब हो जाना चाहिए था, वाल्व बंद हो जाना चाहिए था इनलेट वाल्व यहां खुला, इनलेट वाल्व बंद होना चाहिए BDC पर, लेकिन ये BDC के 35 डिग्री बाद जाके बंद हुआ। तो मतलब टाइम के बाद तक वाल्व का खुला रहना, ये होता है हमारा वाल्व लैग। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो इंटरव्यू वगैरह या वाइवा वगैरह में पूछ ली जाती है कि वाल्व लैग क्या होता है, वाल्व लीड क्या होती है, वाल्व ओवरलैप। वाल्व लीड मतलब टाइम से पहले वाल्व का खुलना, वाल्व लैग मतलब टाइम के बाद तक वाल्व का खुला रहना, और वाल्व ओवरलैप का मतलब एक टाइम पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का दोनों का खुला रहना, वाल्व ओवरलैप कहलाता है।